कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा ते संगो कवि कर्मणि। है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। करण ठकुराइन को बताता है कि वो अमिता से शादी कर रहा है और उसका आशीर्वाद चाहता है। ठकुराइन उसकी आभारी है और उसकी शादी में शामिल होने का वादा करती है। अमिता के माँ बाप भी करण के आभारी हैं, क्योंकि उसने उन्हें और उनकी बेटी को बदनाम होने से बचाया है। फिर भी करण उन्हें अपने बारे में ये बात बता देता है कि वो भी एक नाजायज औलाद है और अपने बाप का नाम नहीं बता सकता, हालांकि वो ये जानता है कि उसका बाप कौन है। ठकुराइन करण की माँ से मिलती है और उसे बताती है कि उसका बेटा कितना महान है। वो उसे अमिता के घर ले जाती है जहां अमिता और करण की शादी हो रही है। अमिता और करण ठकुराइन और मालती के पांव छूते हैं और दोनों उन्हें आशीर्वाद देती हैं। अब आगे। ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिन स्पार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भूर्भुवः स्वर्गौरिव भूम्नः पृथिवीवरिम्णः, पश्यास्ते पृथिवी देवयजन्। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भूर्भुवः स्वर्गौरिव भूम्नः पृथिवी। ये क्या, करण ने शादी कर ली? हाँ मालती, ये शादी भी है और बलिदान भी। मैं समझी नहीं। मालती, ये अमिता वही लड़की है जिसे विनोद ने मोहब्बत में धोखा दिया, जो उसकी आदत है। वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। खुदकुशी करने गई थी कि करण ने उसे बचा लिया। विनोद के पापों का प्रायश्चित उसने कर लिया और उससे शादी कर ली। मुझे खुशी है, एक और जिंदगी तबाह होने से बच गई। तुम्हें खुशी है और मुझे शर्मिंदगी। मालती, करण ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है और एक तरफ मेरा बेटा है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है। दुनिया तुम्हें चाहे कुछ भी समझे, लेकिन मेरी निगाह में तुम एक माँ हो, ऐसे बेटे की माँ जिस पर जितना गर्व किया जाए उतना कम है। चलो, अपने बहू बेटी को आशीर्वाद नहीं दोगी? देखो मालती, इंसान को वो सब कुछ तो नहीं मिल जाता जो उसे मिलना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम अपने बेटे और बहू को अपने घर नहीं ले जा सकती और ना ही तुम उनके साथ रह सकती,
लेकिन ये क्या कम है कि तुम अपने बेटे के माथे पर सेहरा देख सकती हो। तुम्हें उन्हें आशीर्वाद देने का एक मौका मिला है। ठीक कहते हैं, मेरे लिए ये खुशी क्या कम है। जाओ बेटी, आशीर्वाद। चल। अमिता, माँ जी के पैर छू। खुश रहो, आबाद रहो। ये मेरी माँ है। जीती रहूं, फलो फलो। भगवान तुम्हें संसार की हर सुख दे। प्रगति, करण ने अमिता को बचाया और उससे शादी भी कर ली, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत जुल्म और अत्याचार हुआ है, जिसकी वजह से तुम मेरे पति और मेरे बेटे को कभी माफ नहीं करोगी, और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। वैसे गुनहगार तो मैं भी हूँ। अब तुम चाहो तो मुझे माफ करो, और चाहो तो मुझे सजा दो। उस दिन गुस्से में मैंने आपसे काफी भला बुरा कहा, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ आप उन जालिमों के साथ नहीं हैं। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन विनोद ठाकुर को बर्बाद करने की जो कसम मैंने खाई है वो मैं नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि ये संघर्ष पूरी औरत जात के लिए है। अमिता, नई जिंदगी मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहो बेटी। चौधरी साहब, आपको अमिता के लिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अब हमारी बेटी है। ठाकुरायन जी, अमिता को आप जहां रखें, जिस हाल में रखें, हमें कोई शिकायत नहीं। हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि हमारे बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मालती जी, धन्य हैं आप जो आपने करण जैसे बेटे को जन्म दिया। करण बेटे, तुम हमारे दामाद नहीं, बेटे हो। हमें भगवान ने बेटा तो नहीं दिया, लेकिन तुम्हें पाकर हमारी वो कमी भी पूरी हो गई। चौधरी साहब, मैं अमिता को हवेली ले जाऊंगी, लेकिन उसके लिए कुछ दिन आपको इंतजार करना होगा। शुक्रिया। प्रगति, एक बात कहूँ, तुम्हारी जिंदगी तो दूसरों के लिए है। वो कैसे? अब मुझे ही देखो, तकदीर ने मुझे किन हालात पे पहुँचाया था। एक नेक और शरीफ इंसान की बेटी, जिसने कभी अपने घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा था, वो किस तरह से नम्रता के शिकंजे में फंस गई। मेरी इज्जत तो दांव पर थी ही, बल्कि मेरा सुहाग भी उजड़ने वाला था। वो तो खुदा ही है जिसने तुम्हें भेज दिया हमें बचाने के लिए, और तुमने हमें उस जहन्नुम से बचाया। प्रगति, आज हम इज्जत और सुकून की जिंदगी जी रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अमिता की जिंदगी भी बर्बाद होने वाली थी, तुमने उसे बचाया, सहारा दिया। प्रगति, तुम तो पारस हो, तुम्हें छूकर हर चीज सोना बन जाती है। मगर अपनी बर्बादी पर मैंने बहुत आंसू बहाए, बहुत रोई मैं, मेरे आंसू भी पुष्ट हो गए, लेकिन
अब जीने का एक नया सलीका आ गया। इस बेरहम दुनिया से लड़ने की ताकत आ गई है मुझ में। अब सर झुकाकर जीना मैंने छोड़ दिया। किसी भी जुल्म के सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगी, किसी भी जालिम से मैं डरूंगी नहीं। मैं एक औरत ही सही, लेकिन मेरा दिल फौलाद का बन गया है। मेरे होते हुए किसी भी औरत की जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती है। कोई भी जालिम उस पर जुल्म नहीं कर सकता है, क्योंकि जालिमों को मिटाने की कसम खाई है मैंने। प्रगति, तुम्हारी कसम तो पत्थर की लकीर है, और हम सब औरतों की दुआएं तुम्हारे साथ है। बेटा, तुमने अच्छा किया जो बहू को यह साथ लेकर नहीं आए। बेटा, ये मेरी कैसी बदनसीबी है कि मैं माँ होते हुए भी तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मैं जिस माहौल में रहती हूँ वहाँ शरीफों का तो कोई काम नहीं है। बेटा, जिंदा तो कोई भी रह सकता है, मगर इज्जत से जीना सबके नसीब में नहीं होता है। मैं एहसान मंद हूँ ठकराइन की, जिन्होंने तुम्हें अपना कर मेरी आत्मा पर जो ममता का बोझ था उसे कम कर दिया। माँ, मैं उस हवेली में जा तो रहा हूँ, मगर माँ जी के सम्मान को अगर जरा भी धक्का लगा वहाँ पर रहना आसान नहीं होगा। बेटा, तू अकेला तो नहीं जा रहा है, ठकुराइन ले जा रही है। अब जिन हालात का सामना करना पड़े तो तुम्हें करना पड़ेगा। विनोद और ठाकुर की नज़र में भले ही अमिता की कोई अहमियत ना हो, मगर ठकुराइन जानती है इस समस्या को कैसे निपटाया जाए। एक तरफ ठाकुर और विनोद का जुल्म है तो दूसरी तरफ ठकुराइन का इंसाफ है, और मुझे यकीन है इस जुल्म और इंसाफ की लड़ाई में इंसाफ की जीत होगी। मगर माँ, देखो कर, तूफान से डरोगे तो माँ जी तुम्हारी कश्ती को मझधार में डुबो देगा। तूफान से लड़ोगे तो तुम्हें किनारा जरूर मिलेगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। अमिता का ख्याल रखना। डैडी, आप जरा खड़े हो जाइए। क्यों? मुझे आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद? क्यों, आपके पास मुझे देने के लिए आशीर्वाद भी नहीं है? हो, आशीर्वाद? हाँ हाँ, क्यों नहीं है, तो खड़े हो जाइए ना। मगर बेटा, डैडी, आशीर्वाद कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है ना? हाँ, और मोतियों का हार या सोने का गहना? हाँ, वो भी नहीं है। तो आप इतना सोच क्यों रहे हैं? बेटे, वो बात नहीं है। डैडी, आशीर्वाद तो कोई भी किसी को भी देता है, ये तो फ्री की चीज है जो गैरों में भी मुफ्त बांटी जाती है। और शायद दुनिया की आप पहले ऐसी डैडी होगे जो अपनी बेटी को ही आशीर्वाद देने के लिए इतना संकोच कर रहे हैं। बेटे, आशीर्वाद को लेकर तो तुमने इतना बड़ा भाषण दे दिया, मगर मेरे भाषण सुनने के बाद भी आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। बेटा, मुझे कम से कम ये तो पता चले कि आज अचानक तुम्हें मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत पड़ गई। डैडी, मैं जानती हूँ कि आप वकील हैं, और जब आपने अपनी दलीलें शुरू कर ही दी है ना, तो सुनिए, आज आपकी बेटी अपनी जिंदगी की एक इम्पोर्टेंट एग्जाम में अपेयर होने जा रही है। एक इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन? जी। जरा मैं भी सुनू, वो कौन सा एग्जामिनेशन है? डीपीएस का एग्जाम। डीपीएस एग्जाम?
डीपीएस एग्जाम यानी? डैडी मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। पर क्यों? डैडी मेरी समझ में ये नहीं आता कि घर है या अदालत, क्या हर बात का जवाब तलब करना जरूरी है क्या? अच्छा बाबा, इस घर को अदालत समझकर ही मेरी बात का जवाब दो। तो फिर ठीक है, ये जवाब मैं आपको नहीं दूंगी, जज साहब को दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो आप बैठ जाइए। अच्छा बाबा, ये लो बैठ गया। हाँ जज साहब, आज हमारा देश तबाही की कगार पर खड़ा है। जहां देखो वहां चोरी चकारी, लूट मार, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। कानून और व्यवस्था की तो ये हालत है कि लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। और इन सब हालात की सबसे बड़ी शिकार है औरत। जब वो बेटी बनकर पैदा होती है तो उसे अपमान समझा जाता है, उसे पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। जब बहू बनकर वो अपने ससुराल जाती है तो दहेज ना लाने के जुर्म में उसे जिंदा जला दिया जाता है। और जब पत्नी बनकर अपने अय्याश पति के जुर्म का निशाना बनती है तो उसे बीवी नहीं बांधी समझा जाता है। और माँ बनकर बदतमीज और आवारा बेटे के हाथों जलील होती है। सास बनकर बददिमाग बहू के अत्याचारों से तंग आकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है। बस आज एक मजलूम औरत की कहानी तुम्हारी जुबानी सुनकर इस राजेंद्र कुमार वकील का दिल भी पसीज गया। थैंक यू डैडी, मैं बहुत खुश हूँ कि आज तो आपको औरत की बेबसी का एहसास तो हुआ। अब तुम मुझे आशीर्वाद नहीं लोगी? तो डैडी दीजिए ना। जुग जुग जियो बेटी, चुक चुक जियो, तुम जिंदगी के हर एग्जाम में कामयाब हो जाओ। थैंक यू डैडी, थैंक्स अ लॉट। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान पूरा हो गया। एक सवाल है बेटी, अगर तुम इजाजत दो तो। इजाजत है। ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का ख्याल तुम्हारी जहन में कैसे आ गया? और मेरा मतलब है कि ये ख्याल तुम्हारी जहन में डालने वाला कौन महापुरुष है? डैडी उस महापुरुष का नाम विक्रम है। विक्रम? जी जी डैडी। ये विक्रम साहब कौन है और तुम इन्हें कब से जानती है? डैडी वो मुझे कुछ दिन पहले ही मिले थे, वो अपने घर भी आ चुके हैं और राजेश भैया भी उन्हें जानते हैं। ये करते क्या हैं? वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, तो ये बात है। क्या बात है? यही कि मेरी उम्मीदों पर गरम गरम पानी फेरने वाले विक्रम साहब हैं। विक्रम ने आपकी उम्मीदों पर गरम गरम पानी फेर दिया? वो कैसे डैडी? बेटे मेरी ख्वाहिश थी कि राजेश वकीलों के पेशे को अपना ले और मेरा साझेदार बने, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने वकालत के पेशे को नहीं अपनाया। खैर मेरी तुमसे भी यही उम्मीद थी कि कम से कम तुम मेरी ही तरह एक वकील बनोगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।